हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट में। और आज फिर से हम लोग जैसे कल कंटिन्यू कर रहे थे मीन वैल्यू निकालना, तो आज भी हम लोग मीन वैल्यू निकालेंगे। लेकिन ये कंटिन्यूस सीरीज है, उसका हम लोग फाइंड आउट करेंगे किस तरह से मीन वैल्यू डायरेक्ट मेथड का यूज़ करके। तो ये क्वेश्चन जो है आपको इसमें दिया हुआ है कि जैसे कंटिन्यूस है, जैसे 10 से 20, 20 से 30 एंड सो ऑन। तो उसी तरह मार्क्स दिया हुआ है, 10 से 20 कितने बच्चों का आया है, तो 2 बच्चों का आया है। 20 से 30 7 बच्चों को है। 30 से 40 10 बच्चों का है। आफ्टर देन 40 से 60 50 15 बच्चों का है। 60 से 70 20 बच्चों का है। 70 से 80 ऐसे आपको एंड सो ऑन दे रखा है। तो आपको जैसे केस में आपको फाइंड आउट क्या करना है, तो अर्थमेटिक मीन निकालना है। और मेथड किसका यूज़ करना है, डायरेक्ट मेथड का यूज़ करना है। तो चलिए चलिए आपको कुछ हम सॉल्यूशन इसका बता दें किस तरह से सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन करने के लिए पहले जो क्वेश्चन हमारा दे रखा है वो सब आपको डेटा फिट लिखना होगा। तो क्या हमें दिया, मार्क्स दिया हुआ है, और फिर से हमें बताया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है। तो अभी जैसे हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं कि इतने का कंटिन्यूस सीरीज है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 इस तरह से दिए रखा है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बता दिए, फ्रीक्वेंसी जो दो, ये दो दिया हुआ है, इसका 7, 10, 15, 16 एंड सो ऑन इस तरह से दे रखा है आपका। उसके बाद हमें क्या करना है, जब ये दोनों चीज़ हमने जो क्वेश्चन है वो लिख लिए, उसके बाद हमें मिड वैल्यू निकालना है। तो मिड वैल्यू निकालने एक बहुत ही इजी प्रोसेस होता है। क्या करना होता है मिड वैल्यू निकालने के लिए, कि आपको मैं बताती हूँ मिड वैल्यू। जैसे कि मैं किसी का मिड वैल्यू, तो 10 10 + 20 आप कर लो, तो क्या आ गया, 30 आ गया। और हम डिवाइड बाई 2 करो, तो डिवाइड बाई 30 को डिवाइड बाई 2 किए तो कितना आता है, तो इसको इससे कट करते हैं तो 15 आता है। तो मिड वैल्यू क्या होता है, कि आपका जो सीरीज दे रखा है उसका आपको क्या करना है कि सम करके के और डिवाइड बाई 2 करना है। जैसे 10 + 20 तो क्या होगा, 30, 30 डिवाइड बाई 2 तो क्या आएगा, 15 आएगा एंड सो ऑन। फिर क्या होगा, 30 + 20 तो क्या आता है, 50 आता है। 50 डिवाइड बाई 2 क्या आएगा, 25 आएगा। 40 + 30 = 70 एंड 70 डिवाइड बाई 2 = 35। तो इस तरह से हम सभी का मिड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे कि हम सबका मिड वैल्यू फाइंड आउट किए, तो 70 + 80 के लिए फिर 100 150 हो गया, 150 का 75 होता है मिड वैल्यू। तो सबका मिड वैल्यू फाइंड आउट किया। अब जब मिड वैल्यू फाइंड आउट करने, उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, कि हमें इसका ये फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। तो जब फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि 15 × 2 तो क्या होगा, 30 होता है। 25 × 7 175 होता है। 35 × 10 350 होता है। उसी तरह फिर हमने क्या किया, 15 × 45 किया तो 675 आया। 20 × 55 1100। 16 × 65 1040 एंड 6 × 75 450। तो इस तरह से हमको क्या हो गया, कि ये फाइंड आउट हो गया कि ये फ्रीक्वेंसी इनटू मिड वैल्यू में का वैल्यू क्या आता है, वो हमने फाइंड आउट कर लिया। जब हम लोग ने सभी कुछ फाइंड आउट कर लिया, तो हम क्या करते हैं कि ये जो फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, वो हमें सम अप करना है। तो ये समेशन का साइन होता है, इसको समेशन का साइन बोलते हैं। और ये फ्रीक्वेंसी, तो सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज इक्वल्स टू 76 आया है। एंड आफ्टर देन आपको क्या करना है, कि सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस का जो भी हम लोग ने किया था मल्टीप्लाई इसके मिड वैल्यू से, उसका हम लोग ने सम आउट किया। तो सम जब किया तो इसका समेशन ऑफ एफ एम, फ्रिक्वेंसी एंड मिड वैल्यू, तो 3820 आया। जब ये आ गया तो हमने ये दोनों फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसका फॉर्मूला यूज़ करना है। तो एक्स का ये जो हमने किया है इसमें सिंबल लिखा, यही है मीन वैल्यू फाइंड आउट करने का ये सिंबल है, एक्स रेस बार जैसा जो दिख रहा है आपको, इक्वल्स टू सम ऑफ ये ऑल द फ्रीक्वेंसीज एंड मीन वैल्यू। इसका सम कर जो हमने किया रहा 3820 वो लिखना होगा ऊपर में, और नीचे में फ्रीक्वेंसी इसका पूरा समझ के। तो जब हमने इसका सब 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 सम कर लिया, तो हमने क्या किया, इसका वैल्यू पुट किया। तो इसका जब वैल्यू मैं पुट की, तो क्या आप देख रहे हो कि यहाँ पे 3820/76 जब मैंने लिखा, तो इसका जब मैंने कैलकुलेट किया आपस में, तो ये आया 50.26 आया। तो यही जो 50.26 है, हेंस द रिक्वायर्ड अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन कितना हमारा आया,
तो हमारा आएगा 50.26। तो ये जो टोटल, ये हमारा फाइंड आउट डायरेक्ट मेथड से जो कैलकुलेट करना था हमारा अर्थमेटिक मीन, वो हमारा इस तरह से बहुत इजी वे से फाइंड आउट हमने कर लिया, और यही है मिड वैल्यू इसका। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।